आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बना दिया है, 1, 2, 3 का, ये भी हम संविधान का चल रहा है, ऑब्जेक्टिव लुसेंट का। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान कौन से देश का संविधान है? तो सबसे व्यापक संविधान की अगर बात करें तो वह है भारत का, और सबसे बड़ा भी है। एग्जाम में आपसे सबसे बड़ा संविधान का जिक्र अधिक पूछा जाता है, तो किसका है? भारत का है। अगर यही पूछा जाए सबसे पुराना संविधान किसका है, तो वो है अमेरिका का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अलिखित पूछे, मीन्स अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो किसका है? ब्रिटेन का, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान मीन्स कैसा है? तो देखो, ना तो कठोर है ना बहुत लचीला है। क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, मीन्स ना तो अधिक कठोर है ना अधिक लचीला है। फिर अगर यही बात करें सबसे कठोर किसका है, तो सबसे कठोर होता है अमेरिका का ही, क्योंकि वहाँ पे संविधान संशोधन नहीं होता जल्दी, बहुत मुश्किल है। और सबसे लचीला किसका, तो वह है साउथ अफ्रीका का, क्योंकि बहुत आसानी से अमेंडमेंट हो जाता है, संशोधन हो जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान किस प्रकार का है, मीन्स भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है? तो वो क्या है? नम्य भी है और अनम्य भी है, तो नम्य और अनम्य दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है, मीन्स भारत के संविधान के अकॉर्डिंग भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1, उसमें कहा ही गया है कि भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि ये क्या है? प्रस्तावना में दिया गया है। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है कि राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसा भी दे, वैसे यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहाँ पे लिखा रहेगा कि, अच्छा यहाँ पे अगर कोई दे कि ये ऑप्शन छोड़ दे और कोई एक ऑप्शन आपको दे दे कि यहाँ हर धर्म को समान अवसर दिया जाता है, तो वो अधिक सही है, ठीक ना? तो लेकिन अगर यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तब आप ये टिक करोगे, बी। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मीन्स यहाँ पे ग्रुप डी का था, तो इसीलिए दे दिया गया कि राज्य स्तर का कोई नहीं होता है। लेकिन मैंने यूपीएससी का प्रश्न देखा है, तो उसमें एक प्रश्न था कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन 1 में था कि राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है, और ऑप्शन 2 में था कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत देश में सभी धर्म का समान अवसर दिया जाता है, मतलब सबको सेम वैल्यू मिला है, तो वो सही होता है, ठीक ना? तो उसके अकॉर्डिंग आप टिक करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारत क्या है? संसदात्मक प्रजातंत्र है, संसदात्मक प्रजातंत्र है, हमारा आंसर डी सही है। भारतीय संविधान, अच्छा फॉन्ट में थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मीन्स ये जो PDF है तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि फॉन्ट उसमें भी ठीक नहीं था, तो फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है इसमें से? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के संविधान जो है बहुत सारा पार्ट अलग अलग देशों से लिया गया है। जैसे कि कुछ जिक्र कर देता हूँ, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है, मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है, संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये क्या है? विभिन्न देशों से प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है सही है। तो भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार व्यवस्था बिल्कुल सही है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका पे ना तो मीन्स देखते होंगे कि वो मीन्स लोकसभा राज्यसभा सबसे अलग है, उसका एक अपना चलता है, तो उस पर किसी का प्रतिबंध नहीं है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था रखता है या करता है, तो विधि मतलब संविधान ही होता है, विधि मीन्स विधान, संविधान, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, हमारा आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखिए सही नहीं लिखा है, मीन्स कौन सा कथन जो है वो गलत है, पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल सही है, पहला ही क्वेश्चन मेरा यह था। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, ये भी सही है हमारा। फिर है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, बिल्कुल, मूल अधिकार जो है मैंने बताया 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है, USA से लिया गया है।
फिर लास्ट है संविधान के प्रवर्तन के समय में ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है नहीं, मूल कर्तव्य जो है वो बाद में लिया गया। अच्छा, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सोवियत संघ से लिया गया था, बाद में लिया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैसे डी होगा। फिर है प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये बिल्कुल सही है। फिर भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान है, हाँ बिल्कुल एकल नागरिकता का प्रावधान है, पर जम्मू एंड कश्मीर जो है वहाँ पे दोहरी नागरिकता, ये आपसे पूछा जाएगा कि भारत के में कहाँ पे, स्टेट नहीं पूछेगा, ये पूछेगा भारत में कहाँ पे दोहरी नागरिकता है, तो जम्मू एंड कश्मीर, ये भी सही हो गया। फिर भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है, क्योंकि देखो वयस्क मताधिकार मीन्स पहले कितना था 21 था, अब कितना कर दिया गया 18, वो 61वां संविधान संशोधन था, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो ये सब सही है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी उपरोक्त सभी। अच्छा, ये 61वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मताधिकार से संबंधित, वैसे हम आगे पढ़ेंगे ये सब, लेकिन अगर अभी से आप याद रखोगे तो आपको आगे से रिवाइज रहेगा ना, तो याद करने में आसानी होती है। फिर है भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है? देखो अत्यंत लचीला ये भी नहीं है, अत्यंत कठोर भी नहीं है, कठोर कम लचीला अधिक, मीन्स लचीला अधिक तो नहीं है, कठोर अधिक लचीला कम, ये सही है, ठीक ना, डी हमारा सही है, लचीला कम है, हम आसानी से इसमें संशोधन नहीं कर सकते, थोड़ा मुश्किल होता है, लोकसभा में भी पास करवाओ, कार्यपालिका हर एक जगह पास करवाना पड़ता है, थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, संरचना में संघात्मक है और भावना में क्या है, एकात्मक है, आंसर हमारा सी सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान जो है उसमें एकात्मक भावना का लक्षण, मतलब इसका मत वैल्यू क्या होता है? तो केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रतिक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल सही है, संसद ही कर सकता है। कुछ स्थिति में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, ये भी सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, ये भी सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न मीन्स है, आप जान लो कि भारतीय अखिल सेवा जो है, UPSC जिसे कहते हो आप, तो उसका सृजन कौन करता है? वो करता है प्रेसिडेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान में कितने हैं? 3 है, IAS, IPS और IFS, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि मीन्स भारत का संविधान जो है वो कैसा है, इसके बारे में क्या कहा जाता है? ये क्या है? वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है, आंसर हमारा बी सही है। क्योंकि संविधान कभी विकासशील संविधान नहीं होता, ध्यान रखना, मौलिक संविधान नहीं है, वकीलों का है स्वर्ग ही होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया गया है। फिर भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, मीन्स भारतीय संविधान में सबसे अधिक पार्ट जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखे होगे मीन्स ये पॉलिटी का, तो मैंने कहा था कि 1935 भारत सरकार अधिनियम जो है उसमें 2/3 पार्ट लिया गया है, 2/3 हिस्सा लिया गया, सबसे अधिक लिया गया कहाँ से? भारत सरकार अधिनियम 1935 ही। और साथ ही मैंने ये भी जिक्र किया था कि जैसे भारत आज़ाद हुआ था कब, 1947 में, और गणतंत्र हुआ 1950 में, तो वो 3 साल जो शासन चला वो किसके अकॉर्डिंग चला? वो भी चला भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर निम्नलिखित में से किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, मीन्स भारत का संविधान जो है परिसंघीय है, ये किससे पता चलता है? कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का क्या है, वितरण है, मीन्स केंद्र अलग राज्य अलग, कोई किसी पे मीन्स क्या बोलते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं है, सब अपना पृथक काम कर सकता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि मीन्स प्रजातंत्र का अर्थ जो है भारत के अकॉर्डिंग क्या है, तो वह जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा का तंत्र, यहाँ प्रजा का शासन होता है, अकॉर्डिंग है कि जनता क्या हुआ, प्रजा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग सरकार चलेगा, तो वही है सरकार चुनने का अधिकार या बदलने का मीन्स अधिकार किसको है, वो जनता को है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही है। नेक्स्ट है भारत संविधान में, मीन्स भारत संविधान में क्या है? देखो अगर पढ़े हो तो मीन्स देखो इसमें पूरा क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जिस टाइम में बना था संविधान, मूल संविधान की अगर मैं बात करूँ तो 395 अनुच्छेद था, कितना था 395 अनुच्छेद, और अभी अगर वर्तमान की बात करें तो अभी 450 से अधिक है,
450 से अधिक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मानो तो 400 से अधिक आर्टिकल आप कर सकते हो, ठीक ठीक ना। अगर वर्तमान में पूछा जाए तो, अगर उस टाइम पूछे 395, याद रखो यहाँ पे लगा रहा था मूल संविधान, तब आप करते 395, लेकिन अब क्या करोगे आप 18C में आप टिक लगाओगे इसका। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के शासन की व्यवस्था अपनाई गई है, मीन्स भारत में जो शासन की व्यवस्था है किस प्रकार की है, तो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। मैंने जिक्र भी किया था कि संसदीय प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है, तो वही जिक्र यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो भारत में सबसे ऊपर संविधान है, याद रखना इसको, संविधान हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है, मीन्स भारत का संविधान जो इतना बड़ा है उसका मुख्य कारण क्या है, तो इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। दूसरे देशों में क्या होता है कि केंद्र का मेनली संविधान होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेट चलता है, लेकिन यहाँ पे राज्य के लिए अलग संविधान है और सेंटर के लिए क्या है, अलग संविधान है। और फिर एक एक्स्ट्रा भी है, कॉन्क्रीट आप लोग सुने होंगे कि कुछ कुछ जो होता है वो सेंट्रल क्षेत्र में आता है, कुछ होता है स्टेट के अंदर आता है, कुछ होता है कंकरेंट, जैसे एजुकेशन के कंकरेंट है वो दोनों में आता है, तो इसीलिए काफ़ी लंबा संविधान हो गया है हम लोगों का, और इसीलिए काफ़ी क्लियर भी है, काफ़ी अच्छा माना जा सकता है इसको। फिर भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है, अभिभावक मीन्स हेड कौन होता है, तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान है, भारत का नहीं है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो देखो वर्तमान में पूछे तो वो है 18, पहले कितना था तो वो था 21, ठीक ना, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 वर्ष। अगर मूल लगा रहे ना मूल भारतीय संविधान में तो आप 21 लगाओगे, नहीं तो वही वर्तमान का लगा दोगे 18। फिर भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है, संघीय व्यवस्था इसका मतलब क्या होता है, संविधान की सर्वोच्चता। फिर भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्द का स्थान दिया गया है, मीन्स भारत में क्या लिखा गया है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, तो कितनी है, 3 है, मैंने कहा मीन्स लिस्ट कितनी है, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। तो सेंट्रल तो हो गया जो केंद्र सरकार का करता है, एस मीन्स स्टेट जो राज्य सरकार का होता है, और कंकरेंट दोनों से मिला के होता है, ठीक ना, तो ये आपको याद रखना है, 3 लिस्ट होता है। फिर भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, मीन्स भारत का जो संविधान है वो अपना जो अधिकार होता है वो किससे प्राप्त करता है, तो अगर कुछ इस टाइप का प्रश्न होता है हम जनता मारेंगे, भारत की जनता से। फिर भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है, प्रभुसत्ता मीन्स वैध प्रभुसत्ता निहित है, किसके हाथों में ये सत्ता निहित है, ये होती है संविधान में, क्योंकि यही क्या होता है, हेड होता है। अगर यहाँ पे संविधान ना लिखा रहे मान लो और जनता लिखा रहे, तो आप जनता पे टिक लगाओगे, भारत की जनता। फिर भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, भारतीय संविधान की संरचना जो है किस प्रकार की है, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, कुछ क्या है, एकात्मक है और कुछ कठोर है। नेक्स्ट है अभिकथन दिया गया है, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है, बिल्कुल सही है, संघात्मक है, और अनुच्छेद 352 में राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान है, तो ये गलत है, 352 क्या है, गलत है, तो हमारा क्या है, ए सही है, आर गलत है, मीन्स ए, ये सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, लिखित संविधान की अवधारणा से सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, तो कहाँ जन्म लिया, फ्रांस में, सबसे पहले लिखित संविधान ध्यान रखिएगा फ्रांस में लिया, और ब्रिटेन में क्या है, अलिखित संविधान है, ये भी आपको याद रखना है। फिर है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, मीन्स फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अध्यक्षात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो ये हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा, सहकारी संघवाद किसके द्वारा कहा गया, तो जी आइंस्टीन, ये वो साइंस वाले आइंस्टीन नहीं है, जी ऑस्टीन है ये, ठीक ना, याद रखना, आप आइंस्टीन से इसको याद कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगा।
फिर भारतीय संविधान मीन्स कथन एक और कथन आर दिया गया है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये क्या है, अर्ध संघात्मक ही है। फिर भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सही है। मीन्स अर्ध संघात्मक मतलब संघात्मक भी है और एकात्मक भी है, दोनों का मिला के है, तो क्या है, अर्ध संघात्मक। तो ए आर सही है और ए आर की व्याख्या भी सही कर रहा है, मीन्स ए सही है। अब नेक्स्ट दिया गया है हमारा कि संसदीय शासन भारत के लिए प्रयुक्त नहीं है, तो ये गलत कह सकते हैं इसको, क्योंकि प्रयुक्त तो है ही। फिर भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है, संविधान संप्रभुता है। तो आर हमारा सही है और ए गलत है, आर सही है ए गलत है, डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मूलभूत लक्षण है, मीन्स कौन सा सही है, तो ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, फिर बिल्कुल सही है। इनमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ये भी सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थी, ये भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, नहीं, यहाँ पे दोहरी मीन शक्ति है, राज्य अलग काम करता है, सेंट्रल अलग काम करता है, और फिर न्यायिक पद्धति अलग है, तीन तीन हेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक दो और तीन सही है, बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों की साझा है, तो संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक ना, डी सही है। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में सेम है, भारतीय संविधान की व्याख्या और संघीय उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च माना गया है, मीन्स भारत में सर्वोच्च क्या है, संविधान को माना गया है सर्वोच्च, सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे, मीन्स भारतीय संविधान के बारे में आप क्या कह सकते हो, तो यह क्या है, विश्व का विस्तृत संविधानों में से एक है, सी हमारा सही आंसर है। फिर है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है, मीन्स भारत के संविधान से क्या मान्यता प्रदान करता है, ये कि धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को भी मान्यता प्रदान करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर है। तो ये था मेरे वीडियो का एंड, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो और कुछ सीखे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि कैसा लगा, या कुछ चाहते हैं इंप्रूवमेंट तो वो भी मुझे बता सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको अच्छा से नॉलेज प्रोवाइड करें ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।